गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हल्द्वानी। और अभी मैं हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड में। तो सभी जगह इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, और तो इसी वजह से मैं दिल्ली से यहाँ अपने घर आया हूँ। और अभी मैं अपने घर की छत पे हूँ। पूरा देखिए, पूरा एकदम शांत है, सारा सब लोग अपने घरों में हैं। तो आप भी अपने घरों पे ही रहिए जब तक ये लॉकडाउन खुल ना जाए। बस लॉकडाउन को 4 दिन बचे हुए हैं, और बस ये 4 दिन भी ऐसे निकल जाएंगे। बट मुझे लग रहा है कि अभी लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा। बट जो भी है, मज़ा आ रहा है। फिर भी घर के अंदर ही रहिए, बोर मत होइए, और वीडियोस देखते रहिए। ऑफिस का काम कर लेता हूँ, उसके बाद छुट्टी मिल रही है तो आज अपनी बाइक धो देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी, अपनी छत से दिखा सकता हूँ अभी तो फिलहाल। तो देखिए पहाड़ों का नज़ारा, देखिए यहीं से। ये पार्क है, और ये मेरे घर के सामने से रोड जा रही है। फ्रंट से दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और ये देखिए, ये जो पहाड़ी हैं, ये इधर इधर इसको पूरा नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये इस एरिया को पड़ जाता है। और यहाँ से नीचे सारा मैदान है, और यहाँ से ऊपर पहाड़। अब मैं ले जाता हूँ आपको घर के आगे की तरफ, फ्रंट एरिया इधर। ये मेरे घर से आगे की रोड है, यहाँ अपनी स्कूटी रखी हुई है। और आजा आजा, कम ऑन। ये अपना डॉगी ब्रूनो, ब्रूनो नाम है इसका। ये आम के पेड़ हैं, ये आम के बगीचे अपने। अभी आम लगे नहीं है, जून जुलाई तक ये आम पूरे तरीके से पक जाएंगे। बहुत चल रहा है ना तू, चल चल, बाइक धोनी है। अब भी नहलाया, और ऐसी रोड लेट रहा, खड़ो। हाँ चलते हैं नीचे, बाइक धोते हैं। अब नीचे काफ़ी टाइम से बाइक मैंने चलाई नहीं है, कम से कम 3 हफ्ते हो चुके हैं। डैडी से लेके आया था यहाँ तक, और उसके बाद से मैंने एक भी चलाई थी रोड पर, उसके भी लॉकडाउन हो गया था। तो बाइक धोता हूँ और देखता हूँ, छोटी सी एक राइड हो जाए हल्द्वानी सिटी में। अभी वीडियो में दिखाऊंगा पूरे घर की, फिलहाल अभी आपको दिखा रहे हैं बाइक की। चल ब्रूनो, बाइक धोते हैं पहले। तो ये है अपनी बाइक, जो काफ़ी टाइम से धुली नहीं है, तो एकदम धूल हो चुकी है इसमें। तो आज इसको वॉश करते हैं। इसके बारे में अभी बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इसका, बॉक्स और मैंने क्या चीज़ डाला है नया। काफ़ी गंदी हो चुकी है, धूल हो चुकी है इसमें, तो वॉश करूंगा और टाइम पास करूंगा अपना। ये अपना गार्डन जो मैंने अभी छत से आपको दिखाया था, आम के पेड़ हैं, ये आम के बगीचा। और ये अपना घर है, अंदर से देखना है, अंदर से मैं आपको अगली कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल बाइक पे फोकस करते हैं और इसे वॉश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइप से नहीं, बाल्टी से धो लेते हैं। पाइप भी है, लेकिन पाइप लगाने में भी टाइम लगेगा, मोटर चालू करनी पड़ेगी। कुछ मिला नहीं तो सर्फ से काम चलाना पड़ेगा। बाइक को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो घर से बाहर तो निकलना है नहीं, तो घर पे टाइम पास कर लेते हैं।
बाइक के साथ ये हेलमेट भी वॉश करना पड़ेगा, काफी गंदा हो चुका है ये। तो राइड पे गए हैं इसी बाइक से और इसी हेलमेट को लेके। यहाँ पे मेरा कैमरा माउंट होता है, तो कैमरा निकाल दिया, इसे भी वॉश करना पड़ेगा, काफी धूल है इसमें। जितना हो सके सफाई करते रहो, काम करते रहो, अपने आप को बिजी करते रहो। धुलाई होगी कंप्लीट, अब थोड़ा सा सुखाने, उसके बाद चैन क्लीन करनी है इसकी, एकदम नई हो चुकी है। ये देखिए, और इधर हेलमेट इसे भी डाल देते हैं धूप पे, 10 मिनट धूप में रहने के बाद ये सूख जाएगी, उसके बाद इस पर पॉलिश किया जाएगा, तो पॉलिश भी करना पड़ेगा। बाइक कर दिए सैनिटाइज, और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ 5-10 मिनट, धूप में रखी हुई है, धूप में एकदम क्लीन हो जाएगी वो, पानी उसके बाद पॉलिश, तब तक करते हैं रेस्ट। भाई एकदम साइन करिए, देखिए क्लीन हो गई है। मन कर रहा है कहीं लॉन्ग रूट पे जाऊँ और पहाड़ों पे कहीं, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन खुल नहीं रहा है, तब तक हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बाइक वॉश करते रहो हर 2 हफ्ते में, फिर रख दो, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। अरे तो बाहर आ गया फिर से, चल अंदर जा, अंदर चले जा, चल 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 अंदर जा, आजा दरवाजा खोल देता हूँ, चल अंदर जा, शाबाश, बाहर बताना। तो देखा आपने, गाड़ी तो हो चुकी है सैनिटाइज, पूरी वॉश हो चुकी है और साइन कर रही है, एकदम मजा आ रहा है। थोड़ा देखते हैं कल या परसों छोटी सी राइड लूंगा आसपास, क्योंकि हल्द्वानी में यहाँ पे दिन के 1 बजे तक आप जा सकते हैं किसी इमरजेंसी काम के लिए, या किसी मेडिसिन दवाई लेने के लिए, या फिर कुछ भी सामान वामान आपको लेना है तो आप जा सकते हैं 1 बजे तक, यहाँ उत्तराखंड में अलाउ है। तो देखता हूँ, एक छोटी सी राइड लूँगा इसमें, क्योंकि बहुत टाइम से चलाई नहीं है गाड़ी। और ये देखा, ये इधर के रास्ते से इसे अंदर डाला और ये यहाँ के रास्ते से बाहर आ गया। अंदर जा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ये बॉक्स के बारे में और इस वाइजर के बारे में बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देख मिलते हैं आपसे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तब तक ले, बाय बाय।